नमो नमः। आज हम शुकनास उपदेश का आगे का भाग पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा था कि शुकनास कहते हैं कि भवादशा एव उपदेशानाम भाजनानी भवंती, कि आप जैसे लोग ही उपदेशों के पात्र बनते हैं। क्यों बनते हैं इसका कारण आगे की पंक्ति में बताएंगे। अपगत मले ही मनसी स्फटिक मणो एव रजनीकर गभस्तयो विशंति सुखेन उपदेश गुणा। अपगत मले ही मनसी, ऐसा मन जो अपगत मले यानी जिसका मल दूर हो या वो यानी जो पवित्र हो, जिसमें किसी प्रकार का मैल नहीं हो, ऐसा जो मन है वह स्फटिक मणो इव, वह स्फटिक मणि के समान होता है। और रजनीकर गभस्तयो सुखेन विशंति, और उस स्फटिक मणि से, उस पारदर्शी स्फटिक मणि से रजनीकर गभस्तय, रजनीकर यानी चंद्रमा, गभस्तय यानी चंद्रमा की किरणें आसानी से सुखेन विशंति, विशंति यानी प्रवेश करती हैं। यानी जो पारदर्शी स्फटिक मणि है उसमें से चंद्रमा की किरणें जिस प्रकार से आसानी से प्रवेश कर जाती है, पार हो जाती है, उसी प्रकार यदि मैली स्फटिक मणि होगी, उसके ऊपर कोई रंग चढ़ा होगा तो उसमें से चंद्रमा की किरणें प्रवेश नहीं कर पाएगी। उसी प्रकार मैले मन में भी जो गुरु का उपदेश है वो प्रवेश नहीं कर पाएगा, लेकिन जो पवित्र मन है, मैल रहित मन है, उसमें सुखेन उपदेश गुणा, जो गुरु के उपदेश हैं वह सुखेन सुखपूर्वक विशंति प्रवेश कर जाते हैं। अपगतः अप उपसर्ग है, गम धातु है और त प्रत्यय है। अपगत मलह यस्मात तादृशे, अपगत मले और अपगत मलह यानी कालुष्य रहित, कलुषता रहित, मैल रहित मन, ऐसी मनसी, मनसी में मनस शब्द में सप्तमी का एक वचन है, और ऐसे मन में गुण जो है उपदेश गुणा, उपदेश से गुणा सुखेन विशंति सुखपूर्वक प्रवेश कर जाते हैं। रजनी करस्य रात्रिम करोति इति रजनी, और रजनी प्लस क्री धातु है और ट प्रत्यय है। गभस्तया का अर्थ मैंने बतला ही दिया था, किरणें होता है। और अब आगे देखिए, गुरु वचनम अमलम अपि सलीलम इव महदम महद उपजनयति श्रवण स्थितम शूलम अभव्यस्य। अब उल्टा देखिए कि जो मैल रहित है उसमें तो गुरु के उपदेश आसानी से प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन जो अभव्यस्य अभव्यस्य यानी अपवित्र मन वाले व्यक्ति, जो भव्य, भव्य यानी योग्य, अभव्य यानी अयोग्य व्यक्ति, दोष रहित व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसका मन मैल से युक्त हो, तो ऐसा जो अभव्य व्यक्ति है उसमें गुरु वचनम अमलम अपि, गुरु के वचन मल रहित होने पर भी, अमलम अपि मल रहित गुरु वचनम, गुरु वचन भी सलिलम इव, जैसे मैल रहित जो सलिल है, जल है, अगर जो श्रवण स्थितम वो यदि कान में प्रवेश कर जाता है यदि जल, तो महदम शूलम उपजनयति, बहुत ही अधिक शूल यानी पीड़ा को उत्पन्न करता है। वैसे ही जो गुरु वचन है वह मैल रहित होने पर भी अभव्य से यानी अयोग्य मनुष्य के श्रवण स्थितम कानों में पढ़ कर के महदम उपजनयति शूलम, उसको बहुत ही अधिक कष्ट देता है। अमलम यानी
न मलह यस्मिन तथा भूतम, अर्थात निर्मलम राग द्वेष रहितम, ऐसे जो गुरु के वचन है यानी अमलम यानी राग द्वेष रहित और लाभदायक जो गुरु वचन है वह। अब वचन में वच धातु है और ल्युट प्रत्यय है। यहाँ गुरु शब्द से केवल गुरु ही अर्थ नहीं लिया गया है, शिक्षक ही अर्थ नहीं है, अपितु जो श्रेष्ठ व्यक्ति है या जो समझदार व्यक्ति है, पिता है, बड़े भाई हैं, ये भी हो सकते हैं। अभव्यम भवति इति भव्यम और न भव्यः इति अभव्यः। अब यहाँ पे अभव्य का अर्थ हो सकता है दुष्ट पुरुष जिसका मन राग द्वेष से कलुषित हो। श्रवण शब्द में श्रु धातु है और ल्युट प्रत्यय है भाव अर्थ में, और श्रवणे श्रूयते अनेन इति श्रवणम, और श्रवणी यानी श्रवण में सप्तमी का एक वचन है। पीणाम जनयति, जन धातु है और णिच प्रत्यय है, लट लकार का एक वचन है यहाँ पर। यहाँ भी वचन की सलिल से तुलना की गई है और अमल अमल श्रवण स्थित और शूल शब्दों में यहाँ पर श्लेष है। ये दोनों और भिन्न भिन्न अर्थ करते हैं, अतः यहाँ पे श्लेष निष्ठ उपमा अलंकार है। अब यहाँ बताया गया है, भवभूति ने भी कहा है, प्रभवती सूचि बिंब ग्राहे मणिर न मृदा मृदाम चयह। इसी प्रकार से कहा गया है कि मूर्खों को उपदेश का उल्टा ही प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से कहा है, उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये, कि जो उपदेश है वो मूर्खों में प्रकोप ही उत्पन्न करता है, उसको शांत नहीं कर पाता है। और मूर्खों के अतिरिक्त यही जो गुरु उपदेश हैं वो कान में पढ़ करके आभूषण के समान होते हैं। देखे इतरस्य तु करिण एव शंखाभरणम आनन शोभा समुदयम अधिकम अधिकतरम उपजनयति। इतरस्य तु भव्यस्य अभव्यस्य इतरः भव्यः, जो अभव्य से इतर है, जो दोष रहित व्यक्ति है, इतर कौन होगा अभव्य से, जो दोष रहित होगा। तो इतरस्य तु जो दोष रहित व्यक्ति है उसमें तो करिण इव, जैसे करिण कहते हैं हाथी को, तो हाथी में हाथी के कानों में जैसे शंखाभरणम आनंद शोभा समुदयम अधिकतरम उपजनयति, जैसे हाथी के कानों में शंख का आभूषण अधिकतरम शोभाम जनयति, उसकी और अधिक शोभा को बढ़ा देता है, हाथी की शोभा को बढ़ा देता है। उसी प्रकार से गुरु का जो वचन है वो भव्य पुरुष के यानी दोष रहित मन वाले पुरुष के कानों में पढ़ करके उसके कानों की और अधिक शोभा को बढ़ा देता है। देखिए इतरस्य अभव्यात भिन्नस्य, अर्थात भव्यस्य भव्य हो गया साधु पुरुष का के वचन के कानों में पड़े हुए गुरु वचन। करिणः किस लिए कहते हैं हाथी को, बड़ा सुंदर निर्वचन है यहाँ पे। करह करह यानी सुंडा दंडह अस्यास्तीति, यानी सूंड जिसके हो वह, सूंड को यहाँ करह कहा गया है, इसलिए हाथी का नाम करिण है क्योंकि उसकी सूंड होती है। और हाथी के कानों में शंख के आभरण पहनाने की परंपरा है क्योंकि दृष्टि हाथी के दृष्टि के दोष निवारण के लिए उसके कान में शंख का आभूषण बांध दिया जाता है, यह ऐसा लोकाचार है और इसके कारण उसकी शोभा और आनन से शोभा समुदयम उसकी और शोभा सम उदयम सम उत और अच्छ सम उपसर्ग है उत उपसर्ग है और अच्छ
भाव अर्थ में है, समुदयम और अधिक बढ़ जाती है उसकी शोभा। यहाँ पर उपमा अलंकार है क्योंकि करिण इव हाथी के समान शंख आभरणम शोभाम समुदयम अधिकतरम उपजनयति। ये जैसे हाथी की शोभा बढ़ती है वैसे ही जो गुरु के वचन है वो उस मनुष्य के कानों की शोभा या उसके मुख की शोभा बढ़ा देते हैं। अब आगे देखिए, हरति अति मलिनम अंधकारम इव दोष जातम प्रदोष समय निशाकर इव गुरुपदेश। अब गुरु का उपदेश क्या कार्य करता है भव्य पुरुष में या दोष रहित पुरुष में, कि हरति अति मलिनम अंधकारम इव, हरति हरण कर लेता है, अति मलिनम अंधकारम इव, अति मलिन अंधकार के समान दोष जातम दोष से उत्पन्न प्रदोष समय निशाकर इव, जैसे प्रदोष के समय का निशाकर, प्रदोष यानी शाम के रात्रि के प्रारंभ का जो निशाकर है चंद्रमा जो है वो अंधकार को दूर कर लेता है, उसी प्रकार से अति मलिनम अंधकारम इव दोष जातम, अत्यधिक मलिन अंधकार के समान जो दोष है मनुष्य के, उनको गुरुपदेश हरति, उनको गुरुदेश गुरु का उपदेश हरति हरण कर लेता है। गुरु का उपदेश मनुष्य का मनुष्य के दोषों को दूर करके उसको अत्यधिक पवित्र और अंधकार दोष रूपी अंधकार से रहित बना देता है। जैसे कि प्रदोष के समय का चंद्रमा निशाकर सभी अंधकार को दूर कर देता है। गुरु उपदेश गुरोः उपदेश इति, गुरु उपदेश यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है और प्रदोष निशाकर में भी षष्ठी तत्पुरुष समास है, प्रदोषस्य कालस्य निशाकरः इति, प्रदोष निशाकरः निशाम करोति इति निशाकरः। अब सूर्यास्त के बाद की जो दो घटी होती है उसको प्रदोष काल कहते हैं, एक घटिका 24 मिनटों की होती है, अतः सूर्य के छिपने के बाद का 48 मिनट का जो समय होता है वह प्रदोष काल कहलाता है। और अत्यंत काले वर्ण को भी अंधकार के समान या मलिन या कलुष माना गया है। इन सभी दोषों को गुरु का उपदेश दूर कर लेता है। यहाँ उपमा अलंकार है और अति मलिनम में श्लेष अलंकार है क्योंकि वो अंधकार को भी बता रहा है और कलुष से युक्त मन को भी बतला रहा है। और गुरोः गुरुः के जो महत्वपूर्ण उपदेश है, गुरु शब्द में भी यहाँ श्लेष है, गुरु के यहाँ पे गुरु का अर्थ एक तो हो सकता है भारी या बड़ा और दूसरा है गुरु का महत्वपूर्ण उपदेश। आज हम इतना ही रखेंगे, इसके आगे हम कल करेंगे। धन्यवाद।